नेतृत्व की विशेषताएं। विशेषताएं सब जानते हैं कि नेतृत्व में क्या होना चाहिए। अगर हमें किसी को नेतृत्व सिखाना होता है तो हमें एक एक सिचुएशन ऐसी डालनी होगी जिससे हम इन विशेषताओं का आकलन कर सके कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का नेतृत्व करता हो सकता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेता के लिए, क्योंकि सिचुएशन जब आती है तो उनमें वो किस तरीके अपने आप को प्रेजेंट करता है यही निर्भर करता है कि वो कैसा नेता होगा। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया गया है ये है नेतृत्व क्षमता विकसित एवं अर्जित की जा सकती है। विकसित एवं अर्जित की जा सकती है। अब इसमें हमने क्या कहा कि आज से पहले जो हमारी धारणा थी, कई साल पहले धारणा थी कि नेता जन्मजात होते हैं, लेकिन ये धारणा गलत साबित हुई और नेतृत्व के लिए कहा गया कि नेतृत्व विकसित एवं अर्जित किया जा सकता है। कि हम बाहरी जो तत्व होते हैं जब उसको प्रभावित करते हैं तो व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता जाता है और वो एक अच्छा नेता भी बन जाता है। अगर बार बार हम प्रयास करें, बार बार हम उसकी कोशिश करते हैं तो हमें वो गुण अपने आप स्वतः ही हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है पॉइंट विशेषता है वो है अनुयायी। जब तक किसी कार्य के लिए अनुयायी नहीं होंगे, उसको फॉलो करने वाले नहीं होंगे, तब तक नेतृत्व का जन्म होना संभव नहीं है। इसलिए उसके लिए अनुयायी होना आवश्यक है कि जो कार्य आपको दिया जाए उसके लिए आपके साथ कार्य करने वाले लोग साथ में होने चाहिए। अकेला व्यक्ति कभी नेता नहीं हो सकता। फिर दूसरा अगला जो पॉइंट है वो है अभिप्रेरित करने की कला। एक अच्छे लीडर में दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करने की कला होनी चाहिए कि वो कैसे मोटिवेट करे व्यक्तित्व को काम करने के लिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम नेतृत्व की अगर हम बात करते हैं तो नेतृत्व में नेता जब तक है जब तक अनुयायी है। क्लास में टीचर का अस्तित्व तब तक है जब तक उसके स्टूडेंट है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी एमटी का महत्व तब तक है जब तक उसके ट्रेनिंग संभागी उसके साथ जुड़े हुए होंगे। इसलिए अनुयायी जब तक है तब तक ही आपका अस्तित्व है, अन्यथा एक नेता का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दृष्टि एवं दूरदर्शिता। कि एक नेता का कोई ना कोई विजन होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए। जब तक उसका कोई विजन नहीं होगा तब तक वो नेता नहीं कह सकता, लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि जब मेरा विजन है और ऐसा ही विजन रखने वाले जब और लोग मुझसे जुड़ेंगे तभी हमारा एक नेता के रूप में जन्म होगा। दूरदर्शिता यानी कि आज जो हम कार्य कर रहे हैं, आज जो हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, क्या उसका भविष्य में क्या उपयोग होगा, भविष्य में उसके क्या नतीजे निकलेंगे, इन सब चीजों को जोड़ करके ही हम उस कार्य को करते हैं। तो अगर ऐसी दूरदर्शिता अगर आप में है तो भी आप एक अच्छे नेता बन सकते हैं। फिर है सजग, अलर्टनेस। सजगता हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब तक हम सजग नहीं होंगे, चाहे वो कानून हो, चाहे वो नई नीतियां हो, चाहे वो विदेशी नीति हो या किसी भी प्रकार की कोई भी नीतियां हो, जब तक हम उन नीति और इनके प्रति जागृत नहीं होंगे, जब तक हम नए ज्ञान के प्रति जागृत नहीं होंगे तब तक हम अच्छे नेता नहीं बन सकते। उच्च अंतर्व्यक्तिक संबंध। जब तक हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स के अंतर्व्यक्तिक संबंध नहीं होंगे तब तक हम उसको अच्छी तरह नहीं सिखा पाएंगे। स्टूडेंट जब तक टीचर से नहीं जुड़ेगा तब तक वो अच्छी तरह से नहीं सीख पाएगा, ना ही टीचर उसको सिखा पाएगा। जब तक आप अपने बच्चे को अगर आप अपने आप से जोड़ लेते हैं, आपको उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट अपने आप उस चीज को सीखेगा क्योंकि वो आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी हर बात को वो ध्यान से सुनेगा, आपकी हर बात को वो मानेगा और अपना विकास वो करेगा। पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो
पूर्व में भी अगर हो गया है, हमने उसको बंद कर दिया है, हम उसका अगर रिन्यू नहीं करेंगे, हम उसको नए रूप में नहीं प्रस्तुत करेंगे किसी भी ज्ञान को, तब तक वो ज्ञान हमारा बेकार है। क्योंकि कहा जाता है कि ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लगता है। इसी प्रकार हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उनको अगर हम पुनर्निर्माण नहीं करेंगे, हम एक अच्छे नेता नहीं हो सकते हैं। अगला है सतत प्रक्रिया। नेतृत्व जो है वो है एक कंटिन्यू प्रोसेस। ये किसी विशेष उद्देश्य या विशेष लक्ष्य तक ही सीमित नहीं रहता। एक उद्देश्य के बाद, एक लक्ष्य प्राप्त होने के बाद हम किसी नए लक्ष्य का लक्ष्य को खोजेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। उसके बाद हम और किसी नए लक्ष्य को खोजेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे। ये एक निरंतर चलने वाला है। जब हम निरंतर इस तरीके के प्रयास करते रहेंगे, करते रहते हैं, तभी ही हम नेता कहलाते हैं। नहीं तो हमें नेतृत्व क्षमता, इसका मतलब हमारी नेतृत्व क्षमता ठीक नहीं है। अतः नेतृत्व वो चीज है जो हमें निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करे। एक लक्ष्य के बाद हम दूसरा लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए प्रेरित हो, एक के बाद हम दूसरा करते करते हम उसको आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट है निर्णय क्षमता, डिसीजन पावर। किस टाइम पे हमें क्या डिसीजन लेना है, इसका जो विकास है वो नेतृत्व के लिए बहुत ही आवश्यक है। नेता भीड़ से अलग किस वजह से होता है, अपनी निर्णय क्षमता के द्वारा। नहीं तो सभी अपने आप में नेता है, सभी डिसीजन लेते हैं, सभी वो करते हैं, लेकिन किस समय पर क्या डिसीजन लेना है और उस डिसीजन को कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग उस चीज को मान रहे हैं, यही चीज आपको अच्छा नेता बनाती है। तो निर्णय क्षमता जो होती है वो आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए। उसके लिए आपको टू वे पर ना जाकर के सिर्फ वन वे को आपको चयन करना चाहिए और बहुत फास्ट, कम समय में, कम तरीके से हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। नव प्रवर्तन, इनोवेशंस। हम पुरानी चीजों को छोड़ नहीं सकते, लेकिन नवीन चीजों को हम उसमें समाहित करके एक नई चीज का हम निर्माण कर ले, यही हमारी एक अच्छी कला है। क्योंकि पुराना जो, प्राचीन जो है वो हमें सीखने के लिए प्रेरित करता है और नया जो होता है वो हमें करने के लिए प्रेरित करता है। तो जब हम किसी चीज को सीख करके कुछ नया करते हैं, तभी हमारे ज्ञान का विकास होता है और तभी हम शिक्षित कहलाते हैं। प्रशासकीय शक्ति, प्रशासकीय शक्ति, अगर आपको कोई काम करवाना है तो आपको उसमें अपनी पूरी क्षमता लगा देनी चाहिए। जो व्यक्ति जिस तरीके का है उसकी वैसी योग्यताओं को आपको उपयोग करना आना चाहिए। किसी में गुण दोष निकालने की बजाय हम उसकी जो उपयोगिता है, जो उसमें क्षमता है, उसी को ही हम अच्छी तरह से उपयोग में लेकर के ही उस कार्य को करें और लक्ष्य को प्राप्त करें, यही एक अच्छा प्रशासक होता है। निश्चय आत्मनिर्भरता। किसी भी कार्य को अगर हमने सोच लिया है, अगर कर लिया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उसको पूरा करके ही दम लेना चाहिए। यही एक लीडर की सबसे बड़ी खासियत होती है और उसके ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो सारे उसके गुण हैं, ये जो विशेषताएं हैं, यही एक लीडर का निर्माण करती है। फिर है उसमें पावर। पावर यानी कि सत्ता, कि क्षमता उसकी इस तरीके से होनी चाहिए, उसमें पावर इतना होना चाहिए कि व्यक्ति से कार्य करवाना है, चाहे आप प्यार से करवाइए, चाहे आप क्रोध से करवाइए, चाहे आप कोई नीति निर्धारण करके करवाइए, तो इतनी पावर व्यक्ति में होना चाहिए कि एक बार अगर आपने किसी कार्य को का बीड़ा उठा लिया है तो उसको पूरा करवा करके ही आप दम लें। फिर है पहल क्षमता। जो पहल करता है वास्तव में असली लीडर वही है, वही सबका आदर्श बन जाता है। एक छोटा सा उदाहरण हम लें, हमने देखा है कि रास्ते पर कई बार हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, लोग खड़े रहते हैं लेकिन उसको कोई भी उठाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन जब ही भीड़ में से कोई एक व्यक्ति आकर के उसके पास जाता है तो जो पहले खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी उसके साथ लग जाते हैं। इस स्थिति में
लीडर कौन हुआ? जो पहला व्यक्ति उसकी तरफ आगे बढ़ा, सब उसी की हिम्मत पर, जो पहले से खड़े हुए लोग होते हैं वो भी उनके साथ चल देते हैं। तो यही एक लीडर की खासियत होती है कि जिसने लीड की, जिसने पहल की, उसके साथ तो फिर हजारों लोग चल देते हैं।